उत्तर भारत गर्मी और लू के थपेड़ों की मार झेल रहा है। मई महीने की शुरुआत में बारिश ने लोगों के लिए मौसम को गुलजार रखा था। यहां तक कि मई का सबसे ठंडा दिन भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन एकाएक पारी की तेजी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। महीने की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये मई महीना नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश ने मौसम को गुलजार बना रखा था। लेकिन एकाएक पिछले हफ्ते से जिस तरह से गर्मी अपने तांडव रूप में आते हुए प्रचंड बरपा रही है, उसने कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं जो है वो बढ़ा दी हैं, क्योंकि लगातार लू के थपेड़े जो है वो ना केवल चंडीगढ़ बल्कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने जो है वो झेल रहे हैं। हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौसम विज्ञानी शिवेंद्र साहब मौजूद है। शिवेंद्र साहब, क्या कुछ कहता है मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले समय में क्या कुछ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को देखने को मिल रही है, गर्मी किस तरह से रहेगी? देखिए, प्रेजेंटली जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 43 को टच कर रहे हैं, तो 41 टू 43 जो टेम्परेचर है वो हर जगह है। ये आने वाले जो 2 से 3 दिन है इसमें टेम्परेचर में कोई खास चेंज नहीं आएगा। हल्का डिप देखने को मिल सकता है, एक डिग्री के आसपास डिप देखने को मिल सकता है, पर जो हमारा है रेनफॉल है, हमारा नेक्स्ट 24 आवर्स ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद हम थोड़ी लाइट रेन लाइट ड्रिजल टाइप का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेनली 30th और 31st को। ऑल्दो 29th रात को भी हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है, पर मेनली 30, 31st और हमारा 1st जून के आसपास इस ड्यूरेशन में दो हमारा थोड़ा लाइट रेन का संभावना बनी हुई है। पर हमारे टेम्परेचर्स में जब जब रेनफॉल होगी उस टाइम पे तो हल्का डिप करेंगे, पर ओवरऑल टेम्परेचर में कोई गिरावट अब देखने को नहीं मिलेगी। ऑन ये टेम्परेचर हमारे मेंटेन ही रहेंगे। ऑल दो प्रेजेंट जो टेम्परेचर चल रहे हैं हमारे नॉर्मल के आसपास ही, नॉर्मल से 2 डिग्री के ऊपर हैं, अबो नॉर्मल चल रहे हैं, तो इसको हम अभी नॉर्मल कैटेगरी में ही रखते हैं। हल्का सा अबो नॉर्मल है, पर हमारा हीट वेव वाला सिनेरियो अभी नहीं बना हुआ। हीट वेव के लिए हमको 4.5 डिग्री का डिपार्चर चाहिए होता है। पर अगर ऐसे बात करें तो ऑलरेडी टेम्परेचर हमारे 43 टच कर रहे हैं दिन के वक्त, पर ओवर इनकी इस टाइम पे थोड़ी सावधानी लेनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर 43 ऑल दो हीट वेव नहीं रहेगा, पर स्टिल अपना हाइड्रेटेड रहना और ज़्यादा धूप में निकलना अवॉइड करना चाहिए। अगर बात करें जिस तरह से मई महीना सबसे ठंडा दिन भी देखा इसने मई महीने ने, लेकिन आने वाले महीने जो रहते हैं, क्योंकि जून महीना जो है वो गर्मी का रहता है, उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है, तो जून में क्या संभावना की जा सकती है शिवेंद्र जी की? क्या लोगों को ये तांडव जो है गर्मी का इसी तरह से झेलना पड़ सकता है? क्या राइज देखने को मिलेगा टेम्परेचर? देखिए, जो टेम्परेचर में हम मैंने बताया जैसे नॉर्मल के आसपास रहेंगे, बीच में कोई एक दो स्पेल आ सकता है जिसमें एक दो दिन हमारा टेम्परेचर अबो नॉर्मल चल जाए, बिलो नॉर्मल चल जाए। कोई एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली हमारा हिस्टोरिकल कंपेयर करें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, परंतु हाँ, जो जैसे हम जो एग्जैक्ट टेम्परेचर का फोरकास्ट करते हैं वो 5 दिन के टाइम स्केल पर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हमारा शॉर्ट रेंज फोरकास्ट जो होता है, मीडियम और शॉर्ट रेंज फोरकास्ट होता है। उसके हिसाब से जैसे मैंने बताया आपको, आने वाले 3 से 4 दिन में हमको टेम्परेचर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा, हल्की सी गिरावट दिखेगी, पर वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं होगी। हमारा 40 के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन रहेंगे, 40 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होंगे, पर हाँ, एक दो जगह जहाँ बारिश या ड्रिजल लाइट रेन होती है वहाँ पर टेम्परेचर 40 नीचे जा सकते हैं, पर ओवरऑल अगर हम बात करें हरियाणा की या चंडीगढ़ की, हमारे 40 के आसपास होवर करेंगे, 41, 42, किसी किसी जगह हरियाणा में, सदर्न हरियाणा में खासकर 43 और तक भी टच कर सकता है। तो मौसम विज्ञानी शिवेंद्र है जिनका ये कहना है कि अगले 24 घंटे तो बारिश के आसार नहीं है, लेकिन उसके बाद लाइट टू मॉडरेट रेन जो है वो कई इलाकों में हो सकती है, लेकिन उससे टेम्परेचर में ज़्यादा डिप जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो 43-44 डिग्री के आसपास पारा इस समय खड़ा हुआ है, ये जो है आने वाले एक महीने तक इसी तरह से बादस्तूर जो है वो नॉर्मल रेंज में दिखाई देगा। यानी कि ये जो गर्मी है, ये जो गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाती नजर आ रही है, वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़।